जी तो दोस्तों आपको वेलकम कहता हूँ आई फैक्टनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में आज के वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड हुकअप के तीन मीनिंग्स को हिंदी और उर्दू में समझेंगे फिर वर्ड हुकअप को यूज़ करते हुए इंग्लिश में तीन सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में एक होगा छोटा सा Quiz. तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फेक्टनर का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों आज का वर्ड है hook up. Hook up का अगर हम वैसे मीनिंग देखें तो इसका मतलब होता है इसका अर्थ होता है जोड़ना लिंकअप करना जिस तरह आप अपने कंप्यूटर को अपने मोबाइल फ़ोन को नेटवर्क के साथ जोड़ दें कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क हो या कुछ भी हो तो उसको हुकअप करना कहेंगे जैसा कि मैं आपके ऑफिस में आया आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं और मैं आपसे कहता हूँ कि कैन यू प्लीज़ हुकप My laptop with लैपटॉप network योअर नेटवर्क या विद network तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि क्या आप मेरे लैपटॉप को अपने ऑफिस के नेटवर्क के साथ जोड़ सकते हैं लिंकअप कर सकते हैं ये तो हो गया हुकअप का फॉर्मल मीनिंग हुकअप का कुछ इनफॉर्मल मीनिंग्स भी हैं जिनमें से एक हुकअप का मीनिंग ये है कि जिस तरह आ, आप अपने दोस्तों के साथ जाके मिलें या फिर आप और आपका एक दोस्त प्लान बनाएं कि हमने इस जगह पे जाना है और वहाँ जाके मिलना है तो उस चीज़ को भी हुकअप कहेंगे तो यहाँ पे जो दूसरा मीनिंग है इस हुकअप का उसको यूज करते हुए हम एक सेंटेंस बनाते हैं और जिससे हम कहते हैं कि मैं कहता हूं कि लेट्स हुक अप टुमारो या लेट्स सपोज हम कहते हैं लेट्स हुक अप नेक्स्ट वीक इन एबीसी होटल अब देखिए यहाँ पर हुकप का मीनिंग है दोस्त अगर तो आप अपने किसी दोस्त को कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप उसे कह रहे हैं कि चलो ए बी सी होटल में मिलते हैं लेट्स हुकप नेक्स्ट वीक इन ए बी सी होटल के अगले हफ्ते ए बी सी होटल में मिलते हैं अब हुकप का एक और मीनिंग होता है इनफॉर्मल मीनिंग uh, है हुकप जो स्लैंग के तौर पे यूज़ होता है उसका मतलब ये होता है कि जिस दो लोग आपस में मेल मिलाप करें हम बिस्तरी करें जिसको हम कहते हैं उसका मीनिंग ये होता है मतलब सेक्स करें तो जिससे हम कह सकते हैं तीसरे मीनिंग को यूज़ करते हुए हम कोई सेंटेंस बना सकते हैं कि जिससे हम कह सकते हैं कि हुकिंग हुकिंग अप विद किंग अप विद द टोटल इट्स यहाँ हम कह, कह देते हैं कि इट्स वेरी डेंजरस टू हुक विद दोटल स्ट्रेंजर्स के टोटल स्ट्रेंजर्स के, के साथ हुकअप करना बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है शायद कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है उनको कोई बीमारी हो सकती है कुछ भी हो सकता है तो इसलिए है हमने कहा कि इट इज़ वेरी डेंजरस या इट्स वेरी डेंजरस टू हुकप विद द टोटल स्ट्रेंजर्स तो दोस्तों उम्मीद है अब आपको हुकअप का मीनिंग समझ आ गया होगा अब टाइम हुआ है छोटी सी एक्सरसाइज का एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड हुकअप को यूज़ करते हुए इंग्लिश में एक छोटा सा सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कॉमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है मैं आपको चेक करके बताऊँगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं आपका कोई क्वेश्चन है कोई कमेंट है तो नीचे दे गए कॉमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस वीडियो के लिए ज्वाइन किया वीडियो को लाइक ज़रूर करें शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें मैं हूँ आई फेक्टर मिलूंगा आपसे कौन है वीडियो ट्यूटोरियल में अंटिल देन टेक केयर कीप लर्निंग कीप इंजॉइंग गुड डे